हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है एम्ब्रेन की वाइसियन स्मार्ट वॉच के ऊपर। अगर आपके पास भी ये स्मार्ट वॉच है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप इस स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हो थ्रू ब्लूटूथ, तो जो मोबाइल का साउंड होता है, जो चाहे वो MP3 हो गया, चाहे वो आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे या फिर अपने मोबाइल की गैलरी से कोई वीडियो प्ले कर रहे हो, तो उन सबका जो साउंड होता है ना, वो आपको अपने स्मार्ट वॉच के ऊपर सुनाई देता है और मोबाइल के ऊपर सुनाई नहीं देता। ये आपने नोटिस किया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि उसका सेटिंग क्या है, कैसे उस साउंड को बंद करना है अपने स्मार्ट वॉच के अंदर, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना आप लोग, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, इससे आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने अपना ये म्यूजिक प्लेयर ऑन किया और पहले दिखा देता हूँ मैं कि मेरा स्मार्ट वॉच भी कनेक्टेड है, ये ऑन फोन कनेक्टेड है। ये देखिए, मैंने अपना MP3 प्लेयर ऑन किया। अब जब भी मैं इसके ऊपर कोई गाना प्ले करूंगा ना, तो जो इसका साउंड होगा ना, इस मोबाइल पे नहीं आएगा, वो आएगा इसके स्मार्ट वॉच के ऊपर। ये देखिए, मैंने इसे प्ले किया, अब ये इसके अंदर नहीं आ रहा, यहाँ पे आवाज आ रही है स्मार्ट वॉच के अंदर। ये म्यूजिक जो है स्मार्ट वॉच के अंदर प्ले हो रही है, मोबाइल के अंदर प्ले नहीं हो रही है। तो इस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था, आप सुन सकते हो स्मार्ट वॉच के अंदर प्ले हो रही है। तो ये जो मीडिया साउंड है अपने स्मार्ट वॉच में आने से कैसे बंद करें, उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको सेटिंग्स शेयर करूंगा, कुछ तरीके हैं जो आप भी परफॉर्म कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच के अंदर या फिर अपने मोबाइल के अंदर। तो जो सबसे पहला तरीका है, जो सबसे सिंपल तरीका है, वो ये है कि आप अपने स्मार्ट वॉच के अंदर ये जो DND वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ये जो हाफ मून दिख रहा है आपको, ये DND वाला ऑप्शन है, आप इसको ऑन कर सकते हो। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे ना, ये देखिए इनेबल हो गया, ब्लू हो गया, इसका मतलब ये इनेबल हो चुका है। तो जब भी आप इसे इनेबल करोगे ना, तो कोई भी मीडिया का साउंड या फिर कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन आपके मोबाइल से आपके स्मार्ट वॉच में नहीं आएगा। अब देखिए, अगर अब मैं इस सॉन्ग को प्ले करूंगा, तो ये देखिए अब ये मोबाइल के अंदर प्ले हो रहा है, अब ये स्मार्ट वॉच के अंदर प्ले नहीं हो रहा। अब मैं इसे पॉज करता हूँ, अब मैं इसे ऑफ करता हूँ। ये देखिए, मैंने DND मोड ऑफ कर दिया, अब मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए जो साउंड है वापस से स्मार्ट वॉच के अंदर प्ले होने लग गया। तो जब भी आप अपने मोबाइल के ऊपर कोई मीडिया प्ले कर रहे हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो MP3 हो, चाहे वो आप फेसबुक पे कोई वीडियो देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी मीडिया ब्राउज कर रहे हो, तो आप सिंपली यहाँ से इसका जो DND मोड है इनेबल कर दीजिए, आपके स्मार्ट वॉच के ऊपर कोई भी साउंड नहीं आएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि जब भी आप इसके DND मोड को ऑन करोगे ना, तो आपके स्मार्ट वॉच के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। जैसे कि अगर आपने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं, कॉलिंग नोटिफिकेशंस ऑन कर रखे हैं, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं, तो वो भी नोटिफिकेशन आपको आपके स्मार्ट वॉच पे नहीं आएगा जब तक आपने इसके DND मोड को इनेबल कर रखा है। तो और मेरे हिसाब से अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर मीडिया ब्राउज कर रहे हो और आपने DND इनेबल कर रखा है, तो इसका एक लॉजिक भी बनता है कि अगर आपके हाथ में आपका मोबाइल है, आप मोबाइल के ऊपर इन मीडिया ब्राउज कर रहे हो, तो जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे आपके मोबाइल के ऊपर दिख ही जाएंगे आपको, तो आपको वो नोटिफिकेशन आपके वॉच पे देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसका एक सेंस भी बनता है कि हाँ, आप ये DND मोड एक्टिवेट कर सकते हो जब भी आप मीडिया ब्राउज कर रहे हो, और जब आपका मीडिया ब्राउज करके हो जाए तो आप इसको डिसेबल कर दीजिए। तो ये इसका सबसे ईजी और बेस्ट तरीका था साउंड मीडिया साउंड को अपने स्मार्ट वॉच पर बंद करने का। तो अगर आप बार बार इसका DND मोड ऑन एंड ऑफ नहीं करना चाहते, आप सोच रहे कौन बार बार जाके स्मार्ट वॉच में DND ऑन एंड ऑफ करता रहेगा मीडिया साउंड बंद करने के लिए, तो आपके लिए दूसरी सेटिंग भी है, और वो एक तरीके से इसका परमानेंट टाइप सेटिंग है। मतलब परमानेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ परमानेंट जैसा सेटिंग है वो। तो जो सेकंड वाली सेटिंग है या फिर परमानेंट वाली सेटिंग है, उसके लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर आना है और जो सेटिंग है वहाँ पे जाना है। सेटिंग में आपको ब्लूटूथ वाले एरिया में जाना है, ब्लूटूथ सेटिंग में जाना है, वहाँ पे आपको ऑन फोन करके दिखेगा। आपको सिंपली इससे यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो मोर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इसको अनपेयर कर देना है। अनपेयर हो गया, अब आपके स्मार्ट वॉच के ऊपर आपके मोबाइल का कोई भी साउंड या फिर ऑडियो, किसी भी तरीके का मीडिया साउंड आपके स्मार्ट वॉच पे नहीं आएगा। और इस सेटिंग का भी एक डिसएडवांटेज है कि आप अपने स्मार्ट वॉच के ऊपर जो कॉलिंग फीचर है, जिससे आप स्मार्ट वॉच से कॉल डायल कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, वो फीचर भी आप यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है कि आपको अपने स्मार्ट वॉच के ऊपर जो दूसरे नोटिफिकेशन है, जैसे कि व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन हो गए, SMS के नोटिफिकेशन, या फिर जो भी नोटिफिकेशन आपने इसके एप्लीकेशन में जाके इनेबल कर रखे, वो सारे नोटिफिकेशन आपको आपके स्मार्ट वॉच पे आते रहेंगे। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो स्मार्ट वॉच है, आपका जो इसका जो एप्लीकेशन है, उससे कनेक्टेड हो। अब मैंने यहाँ से आपने देख लिया ना कि मैंने ऑन फोन को हटा दिया, रिमूव कर दिया, बट इसका जो एप्लीकेशन है, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो वहाँ पे ये कनेक्टेड दिखाएगा द फिट। ये देखिए, मैंने इसका एप्लीकेशन ऑन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो
स्मार्ट वॉच अभी भी कनेक्टेड है। तो ये अगर आप वहाँ से सेटिंग से यौन फोन को हटा दोगे ना, तो जो इसका दूसरा वाला ब्लूटूथ है जो इसके नोटिफिकेशंस को हैंडल करता है वो अभी भी कनेक्टेड ही रहेगा। तो ये हटानी है। तो जब तक ये कनेक्टेड है आपके स्मार्ट वॉच पे कॉलिंग नोटिफिकेशन हो गए या फिर मैसेज के नोटिफिकेशन हो गए, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन जो भी आपने इनेबल किया है यहाँ से, वो सारे आपको मिलते रहेंगे। बस आपका जो मोबाइल का साउंड है वो बंद हो जाएगा और जो कॉलिंग फीचर है स्मार्ट वॉच का वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक अच्छा सेटिंग है। अगर आपको दोनों में से कोई भी सेटिंग अच्छी लगी तो आप ट्राई करना। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो एक लाइक जरूर कर देना है, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको इन दोनों सेटिंग में से कौन सी सेटिंग ज्यादा अच्छी लगी। बाकी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है आपके पास इस स्मार्ट वॉच को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम जरूर कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। और ऐसी वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।